हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो लर्नर्स, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का आज हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है पाउली स्पिन मैट्रिक्स। ये एक डार्क मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे आपको तीन मैट्रिक्स लिखी दिखेंगी 2x2 की, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स इक्वल है 0110 मैट्रिक्स के, सिग्मा वाई मैट्रिक्स हमारी जिस फॉर्म में है वो फॉर्म है 0 -i, i 0, सिग्मा जेड है हमारा 100-1। तो ये जिस तरीके से लिखी है एज इट इज़, ये इसी तरीके से रिप्रेजेंट होगी मैट्रिसेस, और यही मैट्रिक्स हमारी सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड पाउली स्पिन मैट्रिसेस कहलाती हैं। तो पाउली स्पिन मैट्रिक्स हमारी मेनली यही तीन मैट्रिसेस हैं। इसको सिग्मा एक्स जो हमारी मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में है, और सिग्मा वाई मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आई भी यूज़ हुआ है, और यहाँ पे जो रो में ऊपर आई होगा उसके साथ नेगेटिव साइन होगा, और नीचे रो में जो आई कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ होगा वो पॉजिटिव में रहेगा। बाकी हम सिग्मा जेड में देखते हैं कि हमारा ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट यहाँ पे नीचे की रो में जो हमारा 1 होगा वो नेगेटिव 1 होगा। अब हम आगे देखते हैं, जो हमारे प्रोफेसर ड्राक हैं तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हम लैम्डा एक्स, सॉरी सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, जो कि एक पाउली स्पिन मैट्रिसेस हैं, इनको हम अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा वाई, अल्फ़ा जेड के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा एक्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारी सिग्मा एक्स जो मैट्रिक्स थी 0110, तो जहाँ जहाँ पे 1 था वहाँ पे हम सिग्मा एक्स लिख देंगे, 0 σx, σx 0 इज इक्वल टू। आप देखो, इस मैट्रिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं 4x4 के जो है फॉर्मेट में, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे ये सिग्मा एक्स है, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स मैट्रिक्स है, यानी कि तो सिग्मा एक्स मैट्रिक्स के इक्वल जो मैट्रिक्स है, तो वहाँ पे हम उस मैट्रिक को रिप्रेजेंट कर देंगे। बाकी हमारा जो जहाँ पे 0 है तो वहाँ पे हम 0 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। 0-0 यहाँ पे 0 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सिग्मा एक्स लिखा हुआ है तो ये पाउली स्पिन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 0 की जगह हम 0-0-0-0 मैट्रिक्स बना देंगे। सिग्मा एक्स मैट्रिक्स जो हमारी है पाउली स्पिन मैट्रिक्स, तो उसको हम यहाँ पे उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। 0110 यहाँ पे सिग्मा एक्स मैट्रिक्स को हम लिख देंगे, और यहाँ पे भी हम सिग्मा एक्स मैट्रिक्स को लिखेंगे, और यहाँ पे हम 0 मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो देखेंगे कि ये एक मैट्रिक्स 4 मैट्रिक्स के फॉर्म में डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो हम इसको जो हमारी पाउली स्पिन मैट्रिक्स सिग्मा एक्स, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल्सो सेम जो है सिमिलरली अल्फ़ा वाई और अल्फ़ा जेड की भी वैल्यू ऐसी ही रहेगी, और यहाँ पे अल्फ़ा वाई, यहाँ पे सॉरी सिग्मा वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फ़ा वाई, अल्फ़ा जेड भी हमने लिख लिया है। यहाँ पे जो अल्फ़ा वाई है हमारा, तो ये हो जाएगा 0 - σy, σy 0 इज इक्वल टू, इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। 0 मैट्रिक्स की जगह 0 मैट्रिक्स को लिख देंगे, सिग्मा वाई मैट्रिक्स जो कि पाउली स्पिन मैट्रिक्स है, तो पाउली स्पिन मैट्रिक्स की जगह हम पाउली स्पिन मैट्रिक्स सिग्मा वाई के इक्वल जो मैट्रिक्स बन रही है उसको यहाँ पे हम लिख देंगे 0 - i, i 0। वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा 0 - i, i 0, बाकी 0 मैट्रिक्स की जगह पे 0 मैट्रिक्स हो गई। ऐसे ही हम सिग्मा जेड का करेंगे, यहाँ पे सिग्मा जेड 0-0 - σz हो जाएगा, जो कि सिग्मा जेड पाउली स्पिन मैट्रिक्स हमारी किस प्रकार से रिप्रेजेंट होती है, 1-0-0-1। तो ये हमारी पाउली स्पिन मैट्रिसेस हैं, जिसको ड्राक ने सजेस्ट किया कि हम इसको अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा वाई, अल्फ़ा जेड के टर्म में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम पाउली स्पिन मैट्रिसेस की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख लेते हैं।
तो प्रॉपर्टी नंबर वन अगर हम यहाँ पे देखें तो द पाउली स्पिन मैट्रिक्स आर एंटी कॉम्यूटिंग मैट्रिसेस। जो हमारी पाउली स्पिन मैट्रिक्स है उसको एंटी कॉम्यूटिंग मैट्रिक्स कहा जाता है, और वो इसलिए कहा जाता है दैट इज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। अगर हम सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हमारी ये पाउली स्पिन मैट्रिसेस लिखी हैं प्रोडक्ट में हैं, तो अगर हम सिग्मा वाई मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और सिग्मा एक्स मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे तो यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगी, माइनस लग जाएगा आगे, तो इसीलिए इनको एंटी कॉम्यूटिंग मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरीके से सिग्मा वाई सिग्मा जेड इज इक्वल टू माइनस सिग्मा जेड सिग्मा वाई हो जाएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा जेड इज इक्वल टू माइनस सिग्मा जेड सिग्मा एक्स हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज हमारी जो है वो है द आइगन वैल्यू ऑफ पाउली स्पिन मैट्रिक्स आर प्लस माइनस वन। तो जो आइगन वैल्यू है हमारी पाउली स्पिन मैट्रिक्स की, तो वो उसके जो रूट्स होते हैं पाउली स्पिन मैट्रिक्स के, वो पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए प्लस माइनस वन होगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, सिग्मा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू हमारी क्या होगी, दोनों ही साइन होगा, प्लस में भी माइनस में भी, दोनों में वैल्यू होगी पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, प्लस माइनस वन। अच्छा, यहाँ पे जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आपको थोड़ा समझने वाली है। यहाँ पे ये जो आपको ये साइन दिख रहा है, थोड़ा पॉजिटिव प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा, तो इसको बोलते हैं डैगर। सिग्मा एक्स डैगर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई डैगर इज इक्वल टू सिग्मा वाई, सिग्मा जेड डैगर इज इक्वल टू सिग्मा जेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होती है पाउली स्पिन मैट्रिक्स की। अब यहाँ पे डैगर क्या है तो उसको समझना है आपको। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए सिग्मा एक्स है और सिग्मा एक्स डैगर है, तो सिंपली इसको हम सिग्मा एक्स डैगर को जो हमारी सिग्मा एक्स मैट्रिक्स है उसका ट्रांजुगेट कह सकते हैं। यहाँ पे हालांकि हमने बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है, ये एक स्टेप हमने एक्स्ट्रा लिखा है, आप इसको इस स्टेप के बाद ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा समझाने के लिए। मैंने आपको इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखा है। लेट मान लीजिए हमारी कोई मैट्रिक्स है, ये हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारी कोई मैट्रिक्स है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करें, जीरो आई माइनस आई वन, ठीक है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, कॉलम को रो में, ओके। तो यहाँ पे जब हम इंटरचेंज करेंगे तो ये जीरो आई है, ठीक है, रो में है, तो ये जीरो आई कॉलम में आ गया, फिर माइनस आई वन रो में है, माइनस आई वन कॉलम में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है आई, तो इसका जो साइन है हम वो चेंज कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे ए डैगर, फाइनली ए डैगर आ जाएगा, ए डैगर इज इक्वल टू जीरो, तो ये माइनस आई हमारा क्या हो गया, प्लस आई में हो गया, और ये जो आई था ये माइनस आई में हो गया, प्लस आई माइनस आई वन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो ए डैगर मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है, वेयर ए डैगर इज ट्रांजुगेट ऑफ ए, ठीक है, दैट इज। अब यहाँ पे एक ही जगह सिग्मा एक्स भी हम लिख सकते हैं, तो सिग्मा एक्स डैगर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई डैगर इज इक्वल टू सिग्मा वाई, सिग्मा जेड डैगर इज इक्वल टू सिग्मा जेड। सो फोर्थ प्रॉपर्टी है ट्रेस सिग्मा एक्स इज इक्वल टू जीरो, ट्रेस सिग्मा वाई इज इक्वल टू जीरो, ट्रेस सिग्मा जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या है, अगर हम सिग्मा एक्स की मैट्रिक्स देखें 0 1 1 0, तो ये जो डायगोनल होता है, ठीक है, तो अगर हम इनका सम करें तो वो भी क्या होगा, ज़ीरो नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड तीनों ही मैट्रिक्स के डायगोनल का सम करके देख सकते हैं, तो वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट को क्या कहते हैं, ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 0 प्लस 0 करेंगे तो ट्रेस सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा,
और सिग्मा वाई का ट्रेस अगर हम सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट जिसे कहते हैं इनको ऐड करें 0+0 तो ट्रेस सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0 आएगा, एंड सिग्मा जेड का अगर हम सम करें डायगोनल एलिमेंट का तो 1 प्लस बीच में होगा और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1-1 0, तो ट्रेस सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो ये पाउली स्पिन मैट्रिक्स की ये भी एक प्रॉपर्टी थी, और आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और फिज़िक्स के और भी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, एंड शेयर अदर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।